हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। यूं तो इस दुनिया में कई देश मौज मस्ती और अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जो अय्याशों के लिए स्वर्ग मानी जाती है। जी हां, ये एक स्वतंत्र राष्ट्र तो नहीं है, लेकिन इसकी अपनी अलग सरकार और मुद्रा है। एक ऐसी जगह है जिसे पूरी दुनिया में जुआरियों का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है, क्योंकि यहां गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है। ये जगह अपनी संस्कृति और सुंदरता के अलावा कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आप यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचाई से बंजी जंपिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ दिन में और रात में एक जैसा ही नजर आता है, बस आसमान अलग होता है। बाकी यहाँ की गलियों में आपको कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ये कितने कमाल के लगते हैं कि एक बार इसे देखने के बाद आप भी ये जगह घूमने के लिए उतावले हो जाएंगे। हर साल दुनिया भर से करोड़पति इस जगह में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया का दूसरा सबसे अमीर टेरिटरी मकाओ की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मकाओ के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दें कि मकाओ का ऑफिशियल नाम है मकाओ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। मकाओ का जलवायु काफी नमी वाला होता है, जहां साल के 12 महीने बरसात देखने को मिलती है। मकाओ को पूरी दुनिया में सबसे डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया भी माना जाता है। यहां पर एक वर्ग किलोमीटर में 21,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। मकाओ की कुल अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के आसपास है, जिसमें 50% से ज्यादा की कमाई सिर्फ कैसीनो और गैम्बलिंग से ही आती है। हर साल लगभग 35 से 40 लाख पर्यटक मकाओ की सैर के लिए आते हैं। क्या आप जानते हैं मकाओ शब्द कहां से आया है? इस शब्द के पीछे की कहानी सुनकर आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। मकाओ का नाम गलतफहमी के कारण पड़ा। दरअसल बात ऐसी है कि मकाओ का नाम पुर्तगाली नाविकों द्वारा पहली बार द्वीप पर पहुंचने पर गलतफहमी के कारण गढ़ा गया। उन्होंने स्थानीय लोगों से जमीन का नाम पूछा, लेकिन स्थानीय लोगों ने गलत समझा और बोला कि एमागो, ये सोचकर कि पुर्तगाली एमा नाम का स्थानीय मंदिर का नाम पूछ रहे थे। फिर क्या था, वहां से पुर्तगालियों ने सोच लिया कि इस जगह नाम एमागो है, और चलते चलते ये क्षेत्र आधिकारिक तौर पर मकाओ के रूप में जाना जाने लगा। वैसे मकाओ शब्द का मतलब है मछुआरों का देवता, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़े हिस्से में समुद्री तट मौजूद है, इसीलिए यहाँ मछली का व्यापार भी किया जाता है। लेकिन यहाँ का मुख्य व्यवसाय जुआ खेलना ही है। पूरे मकाओ की अर्थव्यवस्था की 55% कमाई सिर्फ गैम्बलिंग सेक्टर से ही होती है, और इस काम में मकाओ की 1/4 से ज्यादा आबादी शामिल है। मकाओ अगर एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो ये दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश कहलाता। कतर के बाद यहाँ की पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। मकाओ का प्रत्येक व्यक्ति हर साल $120,000 की कमाई करता है। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी रहता है कि मकाओ असल में एक देश है या फिर चीन का एक राज्य। आपको बता दें कि मकाओ चीन के अंतर्गत आने वाला एक प्रशासनिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर चीन का कानून लागू नहीं होता। मकाओ का अपना अलग संविधान है, लोकतंत्र है, राष्ट्रपति है, मुद्रा है और अलग संस्कृति है। लेकिन इसके बावजूद मकाओ के कई छोटे बड़े फैसलों में चीन का हस्तक्षेप रहता है। मकाओ पूरे चीन में यूरोप का उपनिवेश बनने वाला पहला और आखिरी क्षेत्र है। सन 1557 में पहली बार पुर्तगालियों ने मकाओ में आकर बसना शुरू कर दिया था, और लगभग 442 सालों के बाद 20 दिसंबर 1999 को मकाओ को पुर्तगालियों की गुलामी से आजादी मिली। पुर्तगालियों ने चीन को मकाओ सौंपते हुए एक सौदा किया था कि अगले 50 सालों तक इस क्षेत्र पर कोई अपना हक नहीं जमा सकता, और यही वजह है कि आज तक चीन मकाओ को पूरी तरह से अपने देश में शामिल नहीं कर पाया। संभव है 1949 के बाद चीन मकाओ को अपने देश में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मकाओ के लोग शायद इस बात के लिए राजी नहीं होंगे, क्योंकि वो चीन के प्रशासन और सरकार के बारे में अच्छे से जानते हैं, और अगर चीन जबरदस्ती मकाओ को अपने देश में मिलाने की कोशिश करता है तो मकाओ के लोग बगावती हो सकते हैं। मकाओ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से विकास कर रही है। मकाओ में बनने वाले फुटवेयर, कपड़े, बच्चों के खिलौनों की आज काफी डिमांड है, और चीन सहित कई देशों में यहाँ से टेक्सटाइल, जूतों और खिलौनों को एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मशीनरी भी मकाओ में बनाई जा रही है। लंबे समय तक पुर्तगाल के अधीन रहने के कारण मकाओ में आज भी पुर्तगाली और यूरोपीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। पुर्तगालियों द्वारा बनाई गई कई ऐतिहासिक इमारतें, चर्च और मंदिर आज भी मकाओ में मौजूद है। एक समय यहीं से चीन और यूरोपीय देशों के बीच सिल्क का व्यापार किया जाता था, और मकाओ के रास्ते से ही चीन के लोगों को गुलाम बनाकर यूरोप भेजा जाता था। आपको बता दें कि इस बेहद छोटे से प्रायद्वीप में ही यूनेस्को की 20 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट उपलब्ध है। यहाँ के पहनावे से लेकर खान पान में भी आपको पुर्तगाली सभ्यता का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। मकाओ के लोग बोलचाल में भी पुर्तगाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेजेस चाइनीज है। चाइनीज की कैंटोनीज लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखा जाता है। ये लैंग्वेज बोलने में चाइनीज मैंड्रिन से थोड़ी अलग है। कुछ लोग मकाओ के स्पेलिंग को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मकाओ की स्पेलिंग मकाओ है या मकाओ, लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इंटरनेट पर तो दोनों का ही नाम देखने को मिलता है। साल 2016 में मकाओ का ऑफिशियल नाम इंग्लिश में मकाओ रखा गया, लेकिन पुर्तगाली भाषा में आज भी इसे मकाओ ही कहा जाता है। दोस्तों, मकाओ में आपको हर जगह ऊंची ऊंची इमारतें, होटल, पब, बार
रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कैसीनो ही नजर आएंगे। एक समय पर मकाओ में रिक्शा का चलन काफी था। आज वैसे तो यहाँ पर रिक्शा का इस्तेमाल कोई नहीं करता, लेकिन सरकार की ओर से कुछ रिक्शा अब भी चलाई जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटक रिक्शा में यात्रा कर प्राचीन मकाओ के अनुभव की कल्पना करते हैं। मकाओ आज दुनिया में 9वें नंबर की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अन्य देशों पर नजर गड़ाने वाला चीन मकाओ से किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लेता, क्योंकि मकाओ घूमने आने वाले लोग चीन का दीदार भी करते हैं और इससे चीन के पर्यटन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। एक समय ऐसा भी था जब मकाओ अवैध ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोकेन और ड्रग्स का बड़ा अड्डा हुआ करता था, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे इन चीजों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि मकाओ में गैम्बलिंग के अलावा पोर्नोग्राफी और वैश्यावृत्ति को भी कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। जानकारी के लिए बता दें कि मकाओ में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। लगभग 40% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसके अलावा क्रिश्चियन, मुस्लिम और यहूदी धर्म के लोग भी यहाँ देखने को मिलते हैं और लगभग 1/4 लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। मकाओ की पूरी कार्यप्रणाली वन कंट्री टू सिस्टम के नियम पर चल रही है और ये काफी हद तक हांगकांग की तरह है। मकाओ और हांगकांग के बीच दुनिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज भी बना हुआ है। इस पुल को बनाने में चीन सरकार ने $20 बिलियन का खर्चा किया था, जो इसे दुनिया के सबसे महंगा पुल भी बनाता है। साथ ही इन दोनों क्षेत्रों को ये मेनलैंड चाइना से जोड़ने का काम भी करता है। दोस्तों, मकाओ के बारे में आपको एक बात और हैरान कर सकती है। यहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। मकाओ के लोग औसतन 84.24 साल की उम्र तक जीते हैं। इससे एक बात तो साफ है कि लंबा जीने के लिए लाइफ में मौज मस्ती और अय्याशी जरूरी है, तभी तो अय्याशों के इस शहर में लोग इतनी लंबी उम्र तक जी पाते हैं। मकाओ के खाने की भी अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ के खाने में एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन कल्चर का मिला जुला प्रभाव देखने को मिलता है। नाश्ते में मकाओ के लोगों को मैकनीज एग टार्टर्स खाना सबसे ज्यादा पसंद है, जो आपको यहाँ लगभग हर घर में बनते मिलेगा। इसके अलावा अफ्रीकन चिकन भी यहाँ के लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। अगर आप मकाओ जा रहे हैं तो यहाँ के रिकैक्सो रेस्टोरेंट का अफ्रीकन चिकन जरूर ट्राई करें। और मिंची यहाँ की एक और प्रमुख डिश है। इसके अलावा मकाओ पेस्ट्री लवर्स के लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड की बेस्ट पेस्ट्री खाने को मिलेगी। दोस्तों, मकाओ आते समय लोग अपने साथ ढेर सारा पैसा लेकर आते हैं और यहाँ पर जमकर अय्याशी करते हैं। यहाँ के कैसीनो में लोग दिल खोल कर अपना पैसा लुटाते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। मकाओ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कैसीनो भी मौजूद है, जिसका नाम विनिशियन मकाओ है। इसके अंदर 640 से ज्यादा टेबल्स हैं और लगभग 1760 मशीन लगी हुई है, जो गैम्बलिंग के शौकीन लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के 5 सबसे बड़े कैसीनो में 3 कैसीनो सिर्फ मकाओ में ही बने हुए हैं। विनिशियन मकाओ के अलावा अन्य 2 प्रमुख कैसीनो में सिटी ऑफ ड्रीम्स और पॉइंटे 16 शामिल है। कुल मिलाकर मकाओ में 40 कैसीनो मौजूद है। कैसीनो से होने वाली कमाई के मामले में मकाओ ने अमेरिका के लॉस एंजल्स जैसे राज्य को भी पीछे छोड़ दिया है। वैसे तो मकाओ घूमने आने वाले लोग अक्सर यहाँ के कैसीनो का ही आनंद लेना पसंद करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी मकाओ में घूमने के लिए कई दार्शनिक स्थल हैं। सीनेट और सेनाडो स्क्वायर एक कॉलोनी है, जिसे देखकर आपको लगेगा मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ पर आपको पुर्तगाल की वास्तुकला का वो बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा, जो दुनिया के अन्य किसी शहर में नहीं है। 1488 में निर्माण कराया गया एमा मंदिर भी एक प्रसिद्ध स्थल है। ये बुद्ध अनुयायियों का एक तीर्थ स्थल है और ये मंदिर मत्सु देवी को समर्पित है। फोर्टालेजा पूरे मकाओ में सबसे ऐतिहासिक जगह मानी जाती है। इस किले का निर्माण एक 52 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 1610 और 1620 के दशक में कराया गया था। इस जगह का इस्तेमाल पुर्तगालियों द्वारा कीमती सामान रखने के लिए किया जाता था, खासतौर पर पायरेट्स यानी समुद्री डाकुओं से अपने सामान की सुरक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया गया। बाद में इसे मकाओ के गवर्नर के घर के रूप में तब्दील कर दिया गया था। आज ये किला एक संग्रहालय बना हुआ है, जिसमें पुर्तगाली मैकनीज और चीन की सभ्यता की झलक देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, मकाओ टावर पूरे मकाओ का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। इस टावर की सबसे खास चीज है यहाँ होने वाली बंजी जंपिंग। इस टावर पर आप 233 मीटर की ऊंचाई से बंजी जंपिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। देखने में जितना मजेदार लगता है, असल में उतना ही खतरनाक भी है। बहुत से लोग तो इसकी ऊंचाई देखकर ही वापस आ जाते हैं, लेकिन एडवेंचर को शौकीन लोग यहाँ से छलांग भी लगाते हैं। पूरी दुनिया सबसे ज्यादा ऊंचाई से बंजी जंपिंग का रिकॉर्ड मकाओ टावर के नाम दर्ज है। कोलोन मकाओ के सबसे प्रमुख समुद्री तट है, जहाँ सैलानी मौज मस्ती के लिए आते हैं। यहाँ के ब्लैक सैंड बीच के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा 40 मंजिला मॉर्फियस होटल, कई मंदिर, चर्च मकाओ में घूमने के लिहाज से प्रमुख जगहों में शुमार है। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और मकाओ में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। भारतीयों के लिए मकाओ जाना अब काफी आसान हो गया है, क्योंकि मकाओ में इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मौजूद है। उस वीजा के जरिए 1 महीने तक आप मकाओ में आराम से रह सकते हैं। इससे अधिक समय मकाओ में बिताने के लिए आपको चाइनीज एम्बेसी के पास वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बाहर के लोगों के पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा लगभग 10 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको मकाओ घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 75 से 85 हजार रुपए खर्च करने होंगे। मकाओ की करेंसी है मैकनीज पटाका,
जिसकी वैल्यू है लगभग 9.59 भारतीय रुपीस। तो दोस्तों ये था मकाओ, कैसा लगा बताइए कमेंट्स में, क्या कभी आपने विजिट की है ये जगह, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।